किचन के काम तो हम सभी करते हैं, पर अगर छोटी छोटी सी टिप्स बताओ ना तो वही काम आसान हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ छोटी छोटी यूजफुल सी किचन टिप्स। सत श्री अकाल फ्रेंड्स, हरजीत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए, ये है मेरे पास छोटा सा बॉक्स, लंच बॉक्स की जो छोटे छोटे बॉक्स कह लो, डिब्बियाँ कह लो, इस तरह की हम लोग यूज़ करते हैं। बच्चों को लंच देने के लिए भी करते हैं, हस्बैंड को लंच देने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो कई बार क्या होता है, घर में जैसे कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनी हुई है वो हमने देनी है या फिर दही देना है साथ में, तो हमें ये मन में डाउट रहता है कि इसमें से लीक ना हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको छोटी सी टिप दे रही हूँ। ये जो इस तरह के बॉक्स होते हैं, यूज़ करते करते इनकी जो लिड होती है ना ऊपर की, कई बार लूज़ हो जाती है, हल्की सी लूज़ हो जाती है तो लीक होने के चांसेस थोड़े से हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे मैं इसमें दही दे रही हूँ, तो अब मुझे भी लग रहा है कि अगर बाई चांस इसमें से लीक हो गई या हल्का टेढ़ा इसको रख दिया तो लीक भी हो सकती है दही। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह के मेरे पास क्लीन रैप है, ये देखिए, इसको मैं कट करके इसके ऊपर लगा देती हूँ। तो ये जो क्लीन रैप है ना, ये इजीली मार्केट में मिल जाएगा। आप इसको नहीं लगाना चाहते तो आप फॉइल पेपर भी लगा सकते हो या कोई और पॉलिथीन भी आप लगा सकते हो। तो इसको लगाने से क्या होता है कि ये एकदम से सील पैक सा हो जाता है। फिर इसमें जैसे मैंने अभी दही डाली है या ग्रेवी वाली सब्जी डालो तो उसके निकलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास है टेप, इलेक्ट्रिक टेप कह लो या कोई भी तरह की आपके पास टेप हो ना, उसके साथ हमें दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिलता। ढूंढते रहो कि इसे कहाँ से खोल लें, कहाँ से खोल लें, फिर जब हम इसे ढूंढ लें तो इसे बड़ी मुश्किल तो इसे खोला जाता है। उसके बाद जब हम इसे यूज़ करते हैं ना, यूज़ करने के बाद फिर से वैसे ही चिपक जाती हैं, फिर से सेम प्रॉब्लम आती है अगली बार। तो इसके लिए आप पता क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी टिप है, आप जैसे टेप को यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करने के बाद आप इसको पूरा नहीं चिपकने दें, उससे पहले जो इसका आखिरी वाला कोना है ना, वहाँ पर आप लगा दें हल्का सा ऑयल। ऑयल आप कोई भी लगा सकते हो, नारियल का हो, सरसों का हो, जो भी हो, बस कुछ एक आध ड्रॉप ही लगनी है। उसको लगाने से ना ये अब चिपकेगा नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से चिपकेगा नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको दिक्कत नहीं होगी, ईजिली ये खुल जाएगा। ये टिप है मेरी मलाई को लेकर। दूध के ऊपर जो फ्रेश क्रीम आ जाती है ना, उसको मलाई कहते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, घर में एक किसी भी कंटेनर में स्टोर करते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम उसे पूरा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना उसे इतना खा सकते हैं और ना ही रोज़ थोड़ी सी मलाई से मक्खन वगैरह निकाल सकते हैं। तो इसलिए 5-6 दिन की तो हम मलाई इकट्ठी करते ही हैं। पर क्या होता है, कई बार मलाई में स्मेल आ जाती है, समझ नहीं आता कि मलाई से जब हमने मक्खन निकाला या हमने घी निकाला उसमें स्मेल क्यों आ गई। तो इसके लिए भी 2-3 कारण होते हैं, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जिस भी बर्तन में आप मलाई स्टोर करने वाले हो ना, उसमें थोड़ा सा दही डाल दो, फेंट कर दही डाल लो। जैसे ये देखिए, 2-3 चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ, इसमें अब आप मलाई स्टोर करना शुरू कर दो। अगर आप मलाई को स्टोर कर रहे हैं, 1-2 दिन हो गए हैं, आप दही डालना भूल गए हैं, तो आप अभी भी डाल सकते हो। अब थोड़ी सी दही डाल दो, उसके बाद फिर ऊपर मलाई डाल लेना। इस तरह करने से क्या होगा, आपकी मलाई में स्मेल नहीं आएगी। इसके साथ ही जब आप इससे मक्खन निकालोगे तो जो छाछ सी बचेगी ना, लस्सी, उसका आप यूज़ कर पाओगे, उसमें भी स्मेल नहीं होगी, थोड़ी सी वो खट्टी होगी, तो आप उससे कढ़ी बना पाओगे। इन सब के बाद भी आपने 1-2 बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा समर का टाइम चल रहा है, तो मलाई को आप बहुत ज़्यादा दिन की स्टोर ना करो, 5-6 दिन 7 दिन से ज़्यादा तक स्टोर नहीं करो, नहीं तो फिर स्मेल आ सकती है। और साथ में आप मलाई को फ्रीज़र में स्टोर करो समर टाइम में। तो बहुत अच्छी टिप है, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक यूनिक से पराठे की रेसिपी। तो देखिए, पराठे तो टाइप टाइप के हम खाते रहते हैं, पर आज मैं बना रही हूँ सत्तू का पराठा। क्या आपने कभी सत्तू का पराठा ट्राई किया है? बहुत ही टेस्टी बनता है।
तो इसके लिए ना आपने सत्तू लेना है जो कि ईजिली मार्केट में मिल जाता है। पर आज मैं आपको घर पर ही सत्तू बनाना भी बता देती हूँ। तो ये देखिए मैंने भुने हुए चने लिए हैं, बिना छिलके वाले हैं ये, आधा कप लिए हैं। एक आते हैं छिलके वाले, अगर छिलके वाले हैं तो उसका आपको छिलका हटाना होगा। अब इसको हमने मिक्सी में डालकर पीसना है, बिल्कुल फाइन सा पीस कर लेना है। अब इसको पीस कर एक बाउल में निकालना है और साथ में इसमें मिलाने हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं मिला रही हूँ अदरक ग्रेट करके लिया हुआ है, और साथ में लिया लहसुन को भी ग्रेट करके। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं ना तो इसे स्किप कर देना। धनिया इसमें काफ़ी ज़्यादा मिलाना है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और अब इसमें मैं मिला रही हूँ, ये लिया मैंने अचार, अचार का मसाला और ऑयल दोनों हैं। तो ये काफ़ी आपको रेड रेड लग रहा होगा ना, तो ये आंध्रा स्टाइल अचार है। इसकी रेसिपी जल्दी ही मेरे चैनल पर आ रही है। तो 2 चम्मच के करीब मसाला है और 2 चम्मच के करीब ही ऑयल है। अगर आपके पास अचार का मसाला तो है पर आपके पास ऑयल नहीं है अचार का, तो आप कोई भी ऑयल डाल सकते हो जो आप घर में डेली में यूज़ करते हो। अब मैं मिला रही हूँ इसमें अजवाइन 1/4 टीस्पून। ये मैंने लिया है कलौंजी को, जिसको अनियन सीड्स भी कहते हैं, ये भी 1/4 टीस्पून डाल देंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और अब इसमें डालना है सादा नमक और डालना है काला नमक। तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही डाल लेना, क्योंकि जो हम आटा इसमें यूज़ कर रहे हैं ना उसमें नमक नहीं होगा, तो नमक थोड़ा ज़्यादा डाल लेना, चेक कर लेना खाकर। और साथ में रेड चिली पाउडर स्वाद के अनुसार मिलाएंगे। और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया मैंने। और इसमें अब मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा नींबू का रस भी, थोड़ा और खट्टा होगा तो और भी अच्छा टेस्ट इसमें आएगा, जितना आप मिलाना चाहो। तो इसको सूखा सूखा ही रखना है स्टफिंग को, बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं लगाना है इसमें। तो ये देखिए आप, ऐसी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा। तो इसके लिए मैंने आटा स्पेशल नहीं गूंदा है, जो मेरे पास पहले से गेहूँ का आटा गूंदा हुआ था मैं वही यूज़ करूँगी। अगर आप स्पेशली आटा गूंदे तो थोड़ा सा नमक और ऑयल मिलाकर गूंद लेना। अब एक पेड़ा ले लिया है, जितना बड़ा हम स्टफ्ड पराठे के लिए पेड़ा लेते हैं ना उतना ही लेना है। इसकी रोटी बेलनी है, तो रोटी जो बेलनी है थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होगी और हल्की सी मोटी होगी। अब इसके ऊपर लगाना है देसी घी या ऑयल, और इस पर जो हमने सत्तू की स्टफिंग बनाई है वो रख लेंगे, जितनी आप रखना चाहो। थोड़ी सी ज़्यादा ही रखना, क्योंकि टेस्ट अच्छा आएगा ज़्यादा होगी तो। थोड़ा हरा धनिया ऊपर डाल दिया, जिससे देखने में अच्छा लगता है, टेस्ट भी आएगा। और अब इसे फोल्ड करना है, तो जैसे हम बचपन में पंखा वगैरह बनाते थे ना, उसी तरह से फोल्ड करेंगे। देखें, आपको देखने से ही समझ आ जाएगा इस तरह से करना है। अब इसको रोल रोल कर देंगे, एंड के पार्ट को इस तरह से दबा देंगे। और इसको अब जो बेलना है ना, तो बहुत हल्के हाथ से बेलना है। तो देखिए अब पराठा मैंने बेल लिया है। अब इसको सेक लेते हैं। तो गर्म तवे पर मैंने इसे डाला है। इसको पलटने के बाद देसी घी लगा रही हूँ, आप चाहे ऑयल लगा सकते हो। तो आप इस पर दोनों साइड पर अच्छी तरह से देसी घी या ऑयल लगाकर सेके, जितना अच्छी तरह ये मीडियम फ्लेम पर सेकेगा उतनी ही इसकी लेयर्स खुलेंगी। तो देखिए पराठा बनकर तैयार हो गया, कितनी इसकी लेयर्स खुल रही हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत अमेजिंग सा इसका टेस्ट है। और इसको मैंने सर्व किया है दही के साथ और पुदीने धनिए की चटनी के साथ। इसके साथ किसी सब्जी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, इसे आप चाय के साथ या दही के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? इनमें से आपको कौन सी वाली टिप अच्छी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।